हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंड्रॉयड 15 अपडेट के बारे में। और ये है गूगल पिक्सल 6a फ़ोन जिसमें एंड्रॉयड 15 का अपडेट आ चुका है। और अपडेट का साइज़ था 1.33 GB एंड बहुत सारे फीचर्स है जो इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में, सच एज प्राइवेट स्पेस, थेफ्ट प्रोटेक्शन, बेटर मल्टीटास्किंग एंड ऑल। सो सिस्टम अपडेट आप देख सकते हैं, एंड्रॉयड 15 अभी रनिंग कर रहा है। और पहला फीचर है प्राइवेट स्पेस, और प्राइवेट स्पेस पे आप सेटिंग्स पे जाएंगे, प्राइवेट स्पेस सर्च करेंगे तो आपको प्राइवेट स्पेस का सेटिंग्स मिल जाएगा। ओके, आप उसको टर्न ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ सेटअप्स आता है आपको करने के लिए, जो आप कर सकते हैं, साइन इन वगैरह आपका अकाउंट जिसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए प्राइवेट स्पेस में। तो पासवर्ड भी आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रख सकते हैं। और ऐप ड्रॉयर में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्राइवेट स्पेस आ गया है, आप देख सकते हैं इधर। उसको ओपन करने के बाद कुछ एप्लीकेशन, डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन प्राइवेट स्पेस में एडेड है, फोटोज़ एंड फाइल्स वगैरह, और जो गूगल का एप्लीकेशन है। और दूसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इधर इंस्टॉल कर सकते हैं। और प्राइवेट स्पेस को इवन आप हाइड भी कर सकते हैं ऐप ड्रॉयर से, और इधर ये सेटिंग्स है हाइड प्राइवेट स्पेस। तो अभी ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एप्लीकेशन को ऐड भी करना है तो इसको इंस्टॉल इन प्राइवेट स्पेस कर सकते हैं, तो वह प्राइवेट स्पेस पे ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट फीचर आता है एप्लीकेशन पेयरिंग, जिसमें आप स्प्लिट एप्लीकेशन जो यूज़ करते हैं, स्प्लिट स्क्रीन, उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं। सपोज सेटिंग्स एप्लीकेशन एंड उसके बाद ये एप्लीकेशन आता है आपको एप्लीकेशन स्टोर, सॉरी प्ले स्टोर। तो उसके बाद ये स्प्लिट स्क्रीन हो गया है एक्टिवेट मल्टीटास्किंग के लिए। तो इसके बाद इसको मैं होल्ड करूँगा, प्रेजेंट होल्ड करूँगा, तो आपको एक ऑप्शन आता है सेव ऐप पेयर। तो उसको आप सेव ऐप पेयर करने के बाद डिफ़ॉल्ट एक आइकन बन जाएगा आपका होम स्क्रीन पे, और उसको आप क्लिक करेंगे तो ऑलवेज दोनों ऐप ओपन होगा स्प्लिट स्क्रीन के थ्रू। सपोज़ मैं उसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों ऐप ओपन हो गया, सेटिंग्स एंड ऐप प्ले स्टोर। तो मल्टीटास्किंग आप इजीली कर सकते हैं, बार बार आपको स्प्लिट स्क्रीन ऑन करना नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद आता है न्यू वॉल्यूम पैनल, पहले ऐसे ही वॉल्यूम आता था एंड्रॉयड 14 में, और इस बार क्या किया कि वो थ्री डॉट आप क्लिक करेंगे वॉल्यूम के नीचे तो एक न्यू वॉल्यूम पैनल देखने को मिलेगा, जिसमें आप पूरा सारे वॉल्यूम्स वगैरह इधर एडजस्ट कर सकते हैं। इवन आपको म्यूट करना है या वाइब्रेशन ऑन करना है तो इधर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये था न्यू वॉल्यूम पैनल। नेक्स्ट आता है कि वॉलपेपर रिपोजिशनिंग, तो आप वॉलपेपर एंड स्टाइल पे जाएंगे तो उसको बाद आप वॉलपेपर को रिपोजिशन कर सकते हैं। सपोज़ इस वॉलपेपर को मैंने सेटिंग करना चाहता हूँ, इवन वॉलपेपर को जूम करके सेट कर सकते हैं, और स्वाइप करके भी वॉलपेपर दूसरा करके क्रॉप करके सेव कर सकते हैं। तो ये था वॉलपेपर रिपोजिशनिंग। तो उसके बाद आता है आपका न्यू विजेट्स, एंड विजेट्स में आप न्यू इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद ऐड बटन एक ऐड किया है इधर, तो डायरेक्टली वो ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा इधर, जो भी एम्प्टी स्पेस होगा आपका होम स्क्रीन पे उधर ऐड हो जाएगा। देन आता है डिफ़ॉल्ट वॉलेट, एंड डिफ़ॉल्ट वॉलेट पे आप वॉलेट्स पे जाएंगे, आपके बाद आपका जितने भी मल्टीपल वॉलेट्स होगा फ़ोन में, कोई भी आप डिफ़ॉल्ट चूज कर सकते हैं जिसको आप क्विकली यूज़ कर सकते हैं। तो वो था डिफ़ॉल्ट वॉलेट। एंड उसके बाद आता है एडेप्टिव वाइब्रेशन। तो एडेप्टिव वाइब्रेशन क्या होता है कि आपका जो बैकग्राउंड नॉइज वगैरह होता है उसके हिसाब से वो वाइब्रेशन चेंज होता रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी। एंड और ये सेटिंग्स आप ऑन कर सकते हैं एडेप्टिव वाइब्रेशन। सो नेक्स्ट आता है थेफ्ट प्रोटेक्शन। तो थेफ्ट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि बाई चांस आपका फ़ोन कोई ले गया, इवन आपका दोस्त भी कोई फ़ोन ले लिया है, तो इसको आप लॉक कर सकते हैं, और उसको टर्न ऑन करने के बाद वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि फ़ोन आपके पास नहीं है, तो ऑटोमेटिक टर्न ऑन कर देगा लॉकिंग। उसके बाद रिमोट लॉक भी ऑन है, इवन आपका फ़ोन कोई इवन चोरी भी कर लिया है
तो android.com/lock जाके आप उसको लॉक कर सकते हैं वो, और ओपन नहीं होगा। यह है थेफ्ट प्रोटेक्शन, एंड उसको टर्न ऑफ करने के लिए भी आपका सिक्योरिटी पासवर्ड चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लूटूथ, ऑटो ऑन ब्लूटूथ। आप किस वजह से ब्लूटूथ ऑफ किए हो और ऑन करना भूल गए हो तो वो ऑटोमेटिक ऑन कर देगा आपका स्केड्यूल के हिसाब से। सपोज ऑटोमेटिकली टर्न ऑन टुमारो ये है, तो इवन मैं ऑफ भी कर दिया वो टुमारो मैं ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो ये था ऑटो ऑन ब्लूटूथ, एंड ये था कुछ मेजर अपग्रेड और जिस एंड्रॉयड 15 में जो आया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।